के उस पार से एक बड़ी जानकारी आ रही है, वह आपको पहुंचाते हैं। क्योंकि बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान से एक बड़ी खबर डेवलप हो रही है, और वो खबर है बिलावल भुट्टो को लेकर। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त लंदन के अंदर हैं और नवाज शरीफ से मुलाकात की जा सकती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के साथ कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की कैबिनेट से खुश नहीं है, ये सवाल बड़ा है। और इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी रहमत कलीम, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया पांच के पंच में अपना समय देने के लिए। रहमत, क्या कहेंगे, क्या जो शहबाज शरीफ नए नवेले प्रधानमंत्री बने हैं उससे बिलावल खुश नहीं है, या कोई आगे आने वाले समय में रणनीति बिलावल बनाना चाहते हैं जो नवाज शरीफ से मुलाकात की जा रही है लंदन के अंदर? जी देखिए, बिल्कुल बिलावल कई एतबार से, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर एक तो पार्टी के अंदर ही, पार्टी के बाहर भी, सरकार के अंदर टकराव की सूरत हाल है। दूसरा ये कि एक नई स्ट्रेटेजी जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बनाई जा रही है वो ये कि अगर बिलावल भुट्टो को अब अभी कैबिनेट में शामिल कर लिया जाता है या कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है तो फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है पीपल्स पार्टी की, चूंकि वो अकेले लीड कर रहे हैं, उनके वाले जो जरदादी हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैदान में होते नहीं हैं, तो जो पार्टी की सरगर्मियाँ हैं, चूंकि मालूम है कि अगले एक साल के अंदर में फिर से हमें इलेक्शन में जाना है, तो पार्टी को जमीन पर, ग्राउंड पर मजबूत करने के लिए क्या बिलावल को फ्री रहना होगा, कैबिनेट से बाहर रहना उसके लिए जरूरी होगा, इस पर गौर किया जा रहा है। और दूसरा यह कि नवाज शरीफ से जो मुलाकात होने जा रही है, नवाज शरीफ से मुलाकात होने में दो तीन अहम पॉइंट्स है। पहला पॉइंट तो यह है कि जो छोटे छोटे जमातों को शामिल किया गया है इत्तेहाद में, उस इत्तेहाद में उन्हें सरकार में भी शामिल किया गया, खासतौर से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, इन पार्टियों को भी सरकार में, कैबिनेट में शामिल किया गया है, इससे बिलावल भुट्टो नाराज हैं। और साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स है कि आगे जो सरकार बन गई है, अब सूरत हाल क्या, कुछ करने की आगे जरूरत है, पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह से बदल रही है, और हमें जो इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म की, वो रिफॉर्म किस तरह से करनी है, और साथ ही साथ कुछ केसेस वगैरह भी हैं, कुछ ऐसे दोनों पार्टियों के अपने मफाद हैं, अपने फायदे भी हैं जिसे हल करने की, रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो पार्टी की तरफ से बताया गया, पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो की पार्टी की तरफ से बताया गया, उनके जनरल सेक्रेटरी की तरफ से जो बयान दिया गया है बिलावल भुट्टो के इस दौरे को लेकर के, वो कहा गया कि वहां गए हैं, वो मुलाकात करेंगे, मुबारकबादी देने के लिए, सरकार बनी है इसलिए इसकी मुबारकबादी देने के लिए दौरा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ ये है कि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत होगी, इतनी दो बातें कही गई है पार्टी की जानिब से। लेकिन हमें जो अंदर से खबर मिल रही है, एक तो ये नाराजगी इस बात पर है कि जो छोटी पार्टियों को कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है वो नहीं बनाया जाना चाहिए, दूसरी नाराजगी इस बात पर है कि जिस तरह से कैबिनेट की तकसीम हुई है वो तकसीम पीपल्स पार्टी के लेवल तक या पीपल्स पार्टी जिस तरह से चाह रही थी उस तरह की नहीं है। और तीसरा ये है कि जिस सूरत हाल में जो पार्टियां, जो बड़े बड़े नेता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों या फिर मुस्लिम लीग नू के हों, इनके जो बड़े नेता हैं, इन पर करप्शन के चार्जेस हैं, बड़े सारे चार्जेस हैं, कई लोग बेल पर हैं, तो इन चार्जेस के केसेस को किस तरह से डील करना है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं, तीन चार स्टेट ऐसे हैं वहां जहां पर स्पीकर और गवर्नर का मामला हल करना है, तो इन चार स्टेट में गवर्नर और स्पीकर किस पार्टी से हो, ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है जो पीपल्स पार्टी के अंदर देखी जा रही है वो ये कि नवाज शरीफ से भी ये जानने की कोशिश की जाएगी कि बिलावल भुट्टो का कैबिनेट में शामिल होना क्या पार्टी के लिए और सरकार के लिए दोनों के लिए फायदा मंद होगा या नहीं। अगर मुस्बत रिपोर्ट मिलती है, जवाब मुस्बत आता है, तो आते ही लंदन से वापसी पर फौरी तौर पर वो फॉरन मिनिस्टर का ओथ लेंगे और वजीर खारजा पाकिस्तान बन जाएंगे बिलावल भुट्टो। लेकिन अभी सूरत यह है कि मुलाकात में पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसे देखा जाएगा, और आगे कैसे चलना है, क्या कुछ करना है, वो जरूरत देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो एतराजात हैं, जो ऑब्जेक्शन है, उन तमाम ऑब्जेक्शन पर नवाज शरीफ से बात करेंगे बिलावल भुट्टो। ठीक है रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ से मुलाकात का होना कितना मायने रखता है पाकिस्तान के अंदर, सरहद के उस पार से आपको जानकारी हम बड़ी देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जाने से पहले